हेलो एवरीवन भिवन वेलकम बैक टू माई प्रेजेंटेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ माई सेल्फ इमरान अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स वर्किंग इन एम जी वीज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगाव सिटी आज का हमारा जो टॉपिक है इन द इंफ्रास्टैप्टर इन कारपोरेशन ऑफ कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी हमारा आज का जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी इससे पहले के वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी का पार्ट वन कंप्लीट किया था इस वीडियो में हम पार्ट टू कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो ओके सो लेट्स स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी कंपनी कैसी होना चाहिए अगर आपसे कोई पूछता है कि कंपनी किस तरीके से किस तरीके की होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे कंपनी जो है टॉप क्लास की होना चाहिए किस तरीके से किस तरीके की होना चाहिए टॉप क्लास की होना चाहिए तो टी ओ पी सी एस एस टॉप क्लास व्हाट स्टैंड्स फॉर टी टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नेक्स्ट ओ ओनरशिप सेपरेट मैनेजमेंट नेक्स्ट पी परपेचुअल सक्सेशन नेक्स्ट सी कॉमन सील एंड एल लिमिटेड लैबिलिटी ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड एस सेपरेट लीगल एंटिटी एंड एस सेपरेट प्रॉपर्टी सो कंपनी कैसी होना चाहिए टॉप क्लास होना चाहिए सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी सो फर्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफ़रेबिलिटी ऑफ शेयर शेयर जो है कंपनी का वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है वन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं समझ लेते हैं कि शेयर क्या है शेयर वो होता है जब कंपनी कोई एक पर्सन कंपनी में अपना पैसा लगाता है कैपिटल लगाता है तो कंपनी उसे क्या देती है शेयर देती है जिसकी वजह से वो कंपनी का उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है तो कंपनी उसे शेयर्स अलॉट करती है ठीक है तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी दी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर विल बी सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर तो पब्लिक कंपनी में शेयर्स तो भैया फ्रीली ट्रांसफरेबल है देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन इन द ट्रांसफर ट्रांसफरेंस ऑफ शेयर इन द पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लेकिन जहाँ तक प्राइवेट कंपनी की बात है देर विल बी अ सर्टन रिस्ट्रिक्शन कुछ रिस्ट्रिक्शंस है बाइंडिंग नहीं है रुकावट सिर्फ कुछ बातें हैं जो कि हमें समझना होगी वो हम आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उस उन रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लीट करने के बाद ही प्राइवेट कंपनी में शेयर्स कैन बी ट्रांसफ़रेबल ठीक है तो पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंप्लीट करने के बाद उन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के बाद पूरा करने के बाद वो शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ओनरशिप सेपरेट मैनेजमेंट Company is an artificial legal person in the eyes of law but it cannot carry its activities on its own the company is administered and managed by its managerial personnel members who form and contribute to the company do not carry corporate functions rather they appoint their representatives as directors of the कंपनी टू कंडक्ट इट्स एक्टिविटी कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी खुद से एक कुछ भी कोई भी एक्टिविटी वो कैरी नहीं कर सकती इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन तो कंपनी की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए कंपनी के कामकाज को चलाने के लिए कंपनी क्या करती है मैनेजरियल पर्सनल्स डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स को जो है तो क्या करती है अपॉइंट करती है कंपनी जो कि वो चलाते हैं तो मेंबर्स अलग है पार्टनर मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी के अलग होते हैं मैनेजमेंट अलग होते हैं ओनर्स अलग है और मैनेजमेंट जो है वो क्या है अलग है मैनेजमेंट कंपनी को चलाते हैं ओनर्स जो है तो कंपनी के ओनर्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन मीन्स एंडलेस हमेशा बाकी रहने वाली कभी ना ख़त्म होने वाली कभी ना ख़त्म होने वाली कंपनी जो है तो हमेशा बाकी रहती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है ये भी हम समझ लेते हैं परपेचुअल सक्सेशन मीन्स मेंबरशिप एंड डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी कीप चेंजिंग बट दैट डज नाट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी तो कंपनी के जो परपिचुअल uh, सक्सेशन है मीन्स मेंबर्स एंड डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी कीप चेंजिंग मेंबर्स और डायरेक्टरशिप कंपनी के जो है तो वो चेंज होते रहेंगे और बदलते रहेंगे डायरेक्टर चेंज होते रहेंगे मेंबर्स चेंज होते रहेंगे लेकिन उनके चेंज होने की वजह से कंपनी के ऊपर कोई भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं होगा उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर कंपनी अपने चलती रहेगी कंटिन्यू रहेगी ठीक है In the word of Professor L. C. B. Gower, members may come, members may go, but the company can go on forever. In the eyes of in the Professor L. C. B. Gower, members may come. एंड गो मेंबर्स आएंगे members जाएंगे बट द कंपनी गेन गो ऑन फॉर एवर कंपनी जो है तो हमेशा के लिए चलती रहेगी members अपना आते रहेंगे जाते रहेंगे एडमिट होंगे रिटायर होंगे members की डेथ होती रहेगी तो भी कंपनी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी अपना काम एज इट इज कंटिन्यू चलाते रहती है चलते रहती है ड्यूरिंग अ वॉर ऑल मेम्बर्स ऑफ वन प्राइवेट कंपनी वे आर किल्ड एक वॉर के दौरान जो है तो प्राइवेट कम्पनी के तमाम के तमाम मेम्बर्स बॉम में जो है तो बॉम्ब की वजह से मारे गए बट द कंपनी सरवाइवड नॉट इवन हाइड्रोजन बॉम वड हैव डिस्ट्रॉयड इट यहाँ तक के हाइड्रोजन बॉम भी कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया इसका क्या मतलब कंपनी में तमाम मेम्बर भी अगर है वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो कंपनी बाकी रहती है ओके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कॉमन सील कंपनी की जो है तो कॉमन सील होती है कंपनी जैसा हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है वो खुद से एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के तरह सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर सकती तो इसके लिए कंपनी का क्या होता है एक कॉमन सील होता है ओके द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर जो है तो वो कंपनी का कॉमन सील कहलाता है इट इज मेड ऑफ मेटल एंड इट इज नॉट अ रबर स्टैम्प मेटल से बना होता है ये रबर स्टैम्प नहीं होता द नेम ऑफ द कंपनी एंड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आर इंग्रेवड उस सील के ऊपर कंपनी का नाम होता है उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है और प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ये कंपनी के सील के ऊपर इंग्रेव्ड होता है ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लाइबिलिटी हाँ ये लिमिटेड लाइबिलिटी ये हम डिटेल में समझेंगे यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड किस तरीके से होती है द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेम्बर टूअर्ड द डेप्थ ऑफ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेम्बर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट नॉट पेड क्या बोल रहे हैं द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंपनी कंपनी की लाइबिलिटी कहाँ तक है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट नॉट पेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम शेयर होल्डर्स जितना भी शेयर्स होल्ड uh, करेंगे उनका जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ उतना अमाउंट ही क्या रहेगा उनकी लाइबिलिटी रहेगी एंड इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी मेम्बर्स ऑफ सच कंपनी आर ऑल्सो लाइबल टू द अमाउंट गारंटीड और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी रहेगी द अमाउंट ऑफ गारंटी जितना भी अमाउंट का उन लोगों ने गारंटी दिया है उतने अमाउंट तक की गारंटी के लिए वो लाइबल रहेंगे कंपनी के लिए टू बी पेड बाय देम इन द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनकी तरफ से देना बाकी रहेगा एट द टाइम ऑफ अप ठीक है इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं इफ पर्सन होल्ड्स शेयर ऑफ ए कंपनी हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन थाउजेंड एक पर्सन के पास शेयर है कितने रुपीज का वन थाउजेंड का ऑफ विच आउट ऑफ विच इट इज इट हैज पेड टू द कंपनी ओनली सेवन हंड्रेड फिफ्टी उस एक हजार में से उसने सिर्फ और सिर्फ सात सौ पचास रुपया कंपनी को पे किया है देन ही कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन बैलेंस अनपेड अमाउंट दैट इज रुपीज टू हंड्रेड फिफ्टी तो एक हज़ार रुपये में से सात सौ पचास रुपया उसने सेवन हंड्रेड एंड न्द फिफ्टी रुपीज़ पे कर दिया है रिमेनिंग अमाउंट आउट ऑफ वन थाउजेंड कितना बचता है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ कितना कॉल कर सकती है रिमेनिंग अमाउंट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इससे ज़्यादा उस शेयर होल्डर से कंपनी कॉल नहीं कर सकती ओके इन दिस इन दिस केस हाउवर इफ़ ही हैज़ पेड द फुल अमाउंट ऑन हिज शेयर ही विल नॉट बी फर्दर रेबल टू पे इवन इफ़ द कंपनी इज़ इन लिक्विडेशन यहाँ तक कि कंपनी लिक्विडेशन में भी रहेगी तो कंपनी उससे उस एक हज़ार रुपये टोटल अमाउंट पेड करने के बाद अगर वो पूरा अमाउंट पेड कर देता है शेयर होल्डर तो कंपनी उससे उससे ज़्यादा एक हज़ार रुपये से ज़्यादा अमाउंट कॉल नहीं कर सकती तो ये क्या है भैया कि लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आ गए आप लोगों को नेक्स्ट करेक्टर इसकी तरफ चलते हैं हम artificial person person company kya hai? it is an artificial person the company is called an artificial person because it is invisible intangible and cannot be touched कंपनी जो है तो आर्टिफिशियल पर्सन है ह्यूमन uh, बीइंग ने उसको पर्सनस uh, ने उन उसको जो है तो बनाया है इनविजिबल है इनटेंजिबल है कंपनी को हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते बट एग्जिस्टिंग्स इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ लेकिन आ, कानून की नज़र में वो होती है ठीक है हैंस इट हैज़ राइट्स एंड लाइबिलिटीज सेम एज नेचुरल पर्सन इसलिए कंपनी क्या है कंपनी की तरफ कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज एक नेचुरल पर्सन की तरफ होती है ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी क्या है कंपनी सेपरेट है और शेयर होल्डर्स सेपरेट है कंपनी की एंटिटी कंपनी की आइडेंटिटी जो है तो वो पूरी की पूरी सेपरेट है उसके शेयर होल्डर से लाइक अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन द कंपनी हैज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर कंपनी की तरफ कंपनी जो है वो अपने मेंबर से पूरी की तरह सेपरेट होती है कॉन्स्टिट्यूटिंग इट uh, uh, जो मेंबर्स इसको बनाते हैं उनसे ये अलग होती है वंस कंपनी इज इनकारटेड अंडर द लॉ इट बियर्स इट्स ओन पर्सनैलिटी नेम प्रॉपर्टी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसका पूरी उसकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है कंपनी का नाम होता है उसकी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है उनके मेंबर से जो के अलग होती है जुदा होती है डिफरेंट होती है ओके हैज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स कंपनी के जो है तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं राइट टू स्यू एंड बी स्यूड कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर केस कर सकती है इन द सेम मैनर एज ए नेचुरल पर्सन जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी भी ये सारी एक्टिविटीज करती है ठीक है सो अंडरस्टूड द सेपरेट लीगल एंटिटी नेक्स्ट सोलोम सैलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी इस ये एग्जांपल जो है तो हम पह, हमने पहले वीडियो में आ, देख लिया था आप पहले वीडियो जब हम दे, आप देखेंगे तो उसमें सेलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी के मैंने जो है तो एग्जांपल डिटेल में समझाई है ठीक है नेक्स्ट सेपरेट प्रॉपर्टी कंपनी कैन हैव एन एंजॉय प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम नाइदर मेंबर्स आर ओनर नॉर दे हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी की जो है तो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है अपने नाम से अपने नाम से कब प्रॉपर्टी जो है तो बेच सकती है नाइदर मेंबर्स आर ओनर नॉट दे हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मेंबर जो है तो वो ओनर नहीं होते कंपनी के किसी भी प्रॉपर्टी के में कोई भी हिस्सा नहीं होता है मेंबर्स का, का वो कंपनी की सेपरेट पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कंपनी की होती है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द सेपरेट प्रॉपर्टी लिमिटेशन ऑफ पावर कंपनी की कुछ लिमिटेशंस ऑफ पावर है कंपनी इज फॉर्म फॉर द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हाँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आगे हम बहुत डिटेल में दूसरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझते चलिए कि इट इज ए चार्टर ऑफ़ ए कंपनी ये क्या होता है कंपनी का चार्टर होता है कंपनी कैन नॉट डू एनी थिंग विच इज़ नॉट मैंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ना हो ठीक है तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये बताता है कि कंपनी क्या कौन सी कितनी एक्टिविटी करेगी क्या एक्टिविटी करेगी ठीक है उसकी लिमिटेशंस बताता है ओके नेक्स्ट कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड अभी हमने डिस्कस किया कि कंपनी इज़ ए लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ़ लॉ एंड हेंस हैज़ द कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम अपने नाम से जो है तो कंपनी केस uh, कर सकती है कंपनी के ऊपर भी जो है तो केस किया जा सकता है लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए कंपनी कंपनी के आगे अगेंस्ट में लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है एंड सिमिलरली कंपनी इन इट्स ओन नेम फाइल एज सूट अगेंस्ट एनी कंपनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ कंपनी जो है तो क्या कर सकती है uh, किसी कंपनी के अगेंस्ट में uh, uh, दूसरी कंपनी के ऊपर केस भी दायर कर सकती है ठीक है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट प्रॉफिट इज़ ऑब्जेक्ट कंपनी इज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कंपनी जो है तो प्रॉफिट uh, अर्न करने के लिए जो है क्या किया कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाई जाती है विच इज फर्दर डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स और सेव्ड फॉर द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस और वो प्रॉफिट क्या किया जाता है मेंबर्स में डिवाइड किया जाता है या फिर उसको सेव किया जाता है कम बिजनेस के एक्सपांशन के लिए बिजनेस के एक्सपांशन के लिए वो प्रॉफिट क्या किया जाता है यूज किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट है लास्ट टर्मिनेशन बाय वाइंडिंग अप कंपनी इज अ परपेचुअल एंटिटी विच कैन नॉट बी डाइड और डिजॉल्व एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ़ लॉ कंपनी क्या है इट इज़ ए परपिचुअल परपीचुअल एंटिटी है कभी नहीं खत्म होती विच कैन नॉट बी डाइड और डिजोल्व वो कभी मरती भी नहीं है उसको डिजोल्व भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ कंप लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके हम कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं हेंस द कंपनी इज़ टर्मिनेटेड बाई मींस ऑफ वाइंडिंग अप बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ हम कंपनी को क्या कर सकते हैं वाइंड अप कर सकते हैं सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी हेयर वी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी थैंक यू थैंक यू वेरी मच